शहीद के पार्थिव शरीर के पास मौजूद लोगों की भीड़, और इस बीच से सुनाई दे रहे वंदे मातरम और शहीद रामवीर अमर रहे किनारे। शनिवार शाम करीब 4 बजे सेना के जवान शहीद रामवीर सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर जैसे ही उनके मथुरा के कोसीकला में गांव हुलवाना पहुंचे, सभी लोग शहीद की आखिरी झलक पाने को जैसे बेताब दिखाई दिए। बड़ी संख्या में लोग हाथ में तिरंगा लिए खड़े थे। शहीद जवान रामवीर सिंह के पार्थिव शरीर को जब उनके पैतृक गांव लाया गया तो उनके आखिरी दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। जम्मू कश्मीर के शोपियान में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए जवान रामवीर सिंह शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को ही पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया, लेकिन उससे पहले उनको आखिरी विदाई देने के लिए मानो लोगों की भावनाओं का सैलाब सा उमड़ा था। वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम थी। हाथ में शहीद की तस्वीर और तिरंगा लिए हर कोई भारत मां की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहा था। शहीद की विदाई की ये गमगीन तस्वीरें हैं। तिरंगे में लिपटे शहीद रामवीर सिंह को देखकर पत्नी नीतू अपने जज्बातों को रोक नहीं पाई। शहीद रामवीर सिंह के 2 बच्चे हैं, एक 6 महीने का आदित्य, तो 3 साल के बेटे शिवा को तो ये भी नहीं पता कि उनके सिर से उनके पिता का साया उठ गया है। अब वो कभी अपने पापा की गोदी में नहीं खेल पाएगा। दोनों की उम्र इतनी कि मासूमों को परिवार पर टूटे दुखों के पहाड़ के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। शिवा ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। शहीद रामवीर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए योगी सरकार के मंत्री समेत कई बड़े लोग पहुंचे। शहीद रामवीर सिंह की विदाई पर मथुरा के हुलवाना गांव में लोगों का सैलाब सा उमड़ा। कोसी कला से हुलवाना तक भारत माता की जय के नारे लगातार गूंजते रहे। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।